वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर। हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को डेसिमल नंबर में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये परसेंटेज में क्वेश्चन है, हम इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास है 185 परसेंटेज। तो जब भी परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना होता है, परसेंटेज को सॉल्व करना होता है, हम क्या करते हैं, हम जो है डिनोमिनेटर में 100 लिख लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज को जब भी हमें सॉल्व करना होता है हम क्या लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं 100। सही है। और जैसे ही हमें परसेंटेज में लाना होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, मतलब परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे हैं अब हम, जब हमें आंसर परसेंटेज में लाना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें परसेंटेज को सॉल्व करना है तो हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज़ अगर हमें परसेंटेज में लाना हो आंसर तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। क्लियर। अच्छा, 185 को 100 से डिवाइड करना है तो ये तो डायरेक्ट भी होता है और सॉल्व करके भी होता है। मैं आपको दोनों तरह बता देती हूँ, जिस तरह आपको ईजी लगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 से सॉल्व कर रहे हैं, 20 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें आंसर को क्या बनाना है, 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से देखें 85 लिख लें, क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं। सही है, 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू बनाना है हमें आंसर को, क्योंकि हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पॉइंट के बाद 85 लिख लिया, पॉइंट से पहले हम क्या लिखेंगे, 1 है तो वो 1 ही आ जाएगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो 45/100 था, 20 से डिवाइड कर रहे थे तो हमने आंसर को क्या बनाना था, 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू बनाना था। तो हमने 45 को 45 लिख लिया पॉइंट लगा के। फिर हम इधर की तरफ आए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है हमारे पास और। ठीक है, 2 डिजिट्स तो यहाँ पे हमने लिख लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमने बनाना था, 2 डिजिट्स लिखने थे, 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू बनाना था, तो हमने वो इधर लिख लिए थे। तो हमारे पास पॉइंट से पहले लिखने को कुछ नहीं था तो हमने उसकी जगह 0 लिख लिया। अब हमने क्या किया, 2 डिजिट जब इधर लिख लिए तो उससे पहले हमारे पास 1 है तो हमने 1 लिख लेना है, तो ये 1.85 आ गया। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है जो है फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। और अदरवाइज एक और मेथड होता है कि आप क्या करें, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड कर दें, 185 को अंदर रखें, 100 से डिवाइड कर दें। अब 100 वन्ज़र अगर हम लेते हैं तो 100 ठीक है ना, 2000 करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम 100 वन्ज़र ही 100 ले लेंगे। 5 में से 05 आ गया, 8 में से 08 आ गया। अब 85 है, हम 100 वन्ज़र भी करें तो 100 जो है इसके नीचे नहीं आ सकता, 85 के नीचे। क्यों, 85 छोटा है, 100 बड़ा है। हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पर लगाएंगे, जैसे ही यहाँ पर 0 लगाएंगे यहाँ पर 0 नीचे भी उतार लेंगे और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही जैसे हम 0 लेते हैं यहाँ पे, तो ऊपर पॉइंट आ जाता है हमारे पास। 100 के टेबल में अगर हम 8000 करते हैं तो 800 आता है, तो ठीक है 100 8000 800 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब माइनस करेंगे, 0 में से 00 आ गया, 5 में से 05 आ गया। अब 50 आ गया है तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लगा लेंगे, एक और 0 लगाया तो वो नीचे उतार लिया यहाँ पर, इस तरह ये 500 आ गया। 100 के टेबल में 500 आता है 5000, और ये यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारे पास पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, तो आंसर क्या आ गया, 1.85 जो क्वेश्चन होता है वो आंसर आ जाता है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि अब आप जो है डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब डायरेक्ट आंसर बता दें, या आप सॉल्व करके बता दें कि आपके पास ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आना है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप ये करना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो आप कर लें। ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपके पास कोई भी नंबर आ जाता है और आपको कहा जाता है ये परसेंटेज में, आपने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, इन स्टेप को बस फॉलो करें और कर लें। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।